दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, कोई इन लोगों से पूछें। कई सारी स्टोरीज हमने की थी और कुछ लोगों के चेहरे यहाँ आपको जाने पहचाने भी दिख रहे होंगे। ये लोग जब हमने स्टोरीज की थी तो काफ़ी सारे परेशान थे, कईयों को घरों से निकाल दिया था, कईयों को किसी ने मारा था, कईयों के परिवार का कोई सदस्य नहीं था, तो उसके बाद उनको खाने के भी लाले पड़े हुए थे, खाने के लिए पैसा नहीं था और काम भी नहीं था। एक लड़का तो अगर मैं आपको हमारे कैमरा पर्सन कहूँ, थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएंगे, ये लड़का पीछे आपको दिख रहा होगा, देखकर मैंने तब भी जब स्टोरी की थी तो बताया था कि ये उम्र इनकी काफ़ी कम है, सिर्फ 36-37 साल उम्र है, लेकिन ये बुजुर्ग लगते हैं। उसका बेसिक कारण यही था कि इन लोगों के पास खाने पीने के लिए सुविधाएं नहीं थी, परिवार वाले थे नहीं, माता पिता थे नहीं, तो फिर ये लोग क्या करते, बीमार भी थे, तो अब ये देखने में थोड़े संतुष्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन अब परेशानी इन लोगों को क्या क्या आ रही है, क्योंकि ये एक रैन बसेरा है, वहां पर ये लोग रह रहे हैं, और जागृति महिला उद्योग केंद्र की जो प्रधान है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो सारे इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खाना पीना जो है वो इनको खिला रहे हैं। खाना पीना सानू बड़ा सही मिल रहा है, साढ़े को बिस्तर नहीं है, मंजी नहीं है, चेयर नहीं है, ये चीज तंगी सानू, और सारा कुछ सानू बहुत कुछ सही मिल रहा है, और सानू बस बिस्तर चाहिए, कपड़े गर्म चाहिए। नहीं तुस कुछ दे रोने वाले हो? असि जम्मू दे रहने हैं। तुसी घरा की कढ़िया हा? सर जी मैं बड़ी दुखी सी, मेरे घर वाले की डेथ हो गई सी, ते मुंडा मेनू बड़ा मारदा सी, मैं कमरा किराए से लिया, उत्थे मैं जल गई थी, फिर मैम ने मेरी वीडियो देखी, फिर मैम ने फिर मैंने इधर बुला लिया। अच्छा। मैं डेढ़ महीना दो महीने बहु पलाजा रही, महीना डेढ़ महीना अस्पताल रही, बाहर सौंदी रही, बदल आंदे रहे, मैं पीछे पूरी जल गई थी, मैम मेरे को खुद पट्टियां करती रही, सब कुछ करती रही, नवालती धोलती रही, मैडम तो मेरी जे नहीं होते मैं मरी होती आई। किन्ना किन्ना चिर हो गया इतने रोंदे? मैनू हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने इतने रोंदे हो ये? कोई के परेशानी है वाली? कोई परेशानी ऐसा, सिर्फ बिस्तरे नहीं मिल जावे, बेड नहीं है, बिस्तरे नहीं है, जो कोई मदद चाहता है सानू मिलनी चाहिए मदद थोड़ी। अच्छा, इनके पास रहने के लिए मतलब सोने के लिए बिस्तर नहीं है, तो ये एक परेशानी आ रही। मैं आपसे जान सकता हूँ थोड़ा सा? आप थोड़ा सा आप आगे आएंगे? हाँ। आपको कितनी देर हो गई? मुझे यहाँ 3 महीने हो गई। तो कैसा है अब यहाँ पर? अच्छा भी लग रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है? हाँ बढ़िया है। तो अभी रहने के लिए जैसे ये बोल रहे हैं बिस्तर वगैरह कम है, तो हाँ बिस्तर इनके लिए पूरा प्रॉपर सभी के लिए संभव होना चाहिए। अच्छा। तो वो कोई अगर कोई योगदान करे कोई तो अच्छी बात है, हमारा तो कोई है नहीं कि हम कोई हमारी कोई जरिया कोई पैसे का कोई हम ले सकेंगे, तो ये है कि कोई अगर कोई बड़ी संस्था या कोई जो या कोई अपना कोई दान पुण्य करने वाला कोई बड़ा कोई बंदा है तो वो हमारी मदद करे, तो आगे आए किसी भी तरीके का कुछ भी। अच्छा चाचू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन दास। आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवाशहर। नवाशहर का? तो यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हो आप? अभी 5-6 दिन हो गए। अब 5-6 दिन, तो यहाँ खाना पीना मिल रहा है? खाना ठीक ठाक है, चारपाई और मेडिकल सूट तो नहीं चाहिए। अच्छा, चारपाई भी नहीं है, बिस्तर नहीं है और मेडिकल की सुविधा भी चाहिए। बीमार हो आप? बीमार, थोड़ा चोट लग गई थी गाड़ी से। घर से आप क्यों आए? घर से घर वालों, बच्चों ने निकाला? हाँ बच्चों ने निकाल दिया। अच्छा, तो ये देखें ये कितने परेशान। आप कहाँ से हो? बाला देवी। बाला देवी, कब आए हो आप यहाँ? 6 महीने हो गए आई जो। अच्छा। तो मैं ठंड बहुत लगती है, फिर ठंड लगती है? हाँ, मैं 3-4 रजाइयां लेकर सोती हूँ। 3-4 रजाइयां लेकर सो रही हो? केले भी बहुत खाती हूँ मैं। केले भी खाती हो? बिस्कुट भी खाती हूँ। अच्छा। ठंड बहुत लगती फिर से कोट पार क्या बोले। अच्छा। नहीं, यहाँ कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए आई जो। 6 महीने? सारा सब चीजें ठीक मिल रही है? ते चाय भी पीती हूँ। अच्छा। हाँ। ये देखें,
कुछ तो मानसिक रोगी भी हैं। ये जो हमने पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ये भी मानसिक रोगी हैं। और ये सरदार साहब हैं, इनसे हमने पहले भी बात की थी, ये बस स्टैंड में रह रहे थे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट क्लास खाना मिल रहा है, बिस्तर भी है। घरों बार बच्चे मार छिड़े कर मार कर कटिया है, तो हूँ की करिए, दे बेचारे रोटी पानी भी दे। घर वाले फोन करते हैं? घर वाले फोन क्यों करना, फोन दो बारी किया, तुम इतने गए हो, काशम ने बड़ा मुड़े ने लिया है इन्होंने नाल वीर ने। अच्छा, दूसरे दिन इतने बत्ती नहीं पाई, तो क्या करना उनके पर जा, इतने मरा गए आप तभी को बोला साड़ी उन्होंने। अच्छा, दुख दे होना कि जागते हैं, दुख दे मकान भी खोलिया, जमीन भी खोली, पैसे भी खोले, ते फुलके दो खाने दे, जाओ पापा जी खेडो जाके, ठीक खेडे दे, असल कपड़ा भी लभदा, रोटी भी लभदी है, पैसे भी लभदा, मौजां मरदी है, खांदे पींदे आए ही नहीं आखणे, खांदे पींदे आए लभा ही कख नहीं, सब दिंदी है तो प्रभु दे रहे, माता रानी बाग रही साडे कोल है, जो ईश्वर की मंजूर है, जो ईश्वर कोई होगा। अच्छा, ये इनका इंट्रोडक्शन हम आपको दे दें, ये शीतल जी हैं। और ज्यादातर जो जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने ही यहाँ तक पहुंचाए हुए हैं। अच्छा शीतल जी, ये लोग जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर खाने पीने की तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कोई रहने के लिए बिस्तर वगैरह नहीं है, तो क्या इनकी कोई हेल्प हो रही है? नहीं, देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ बीना बहन का, जो हर वेले हर मुसीबत में इन्होंने साथ दिया, जैसे बुजुर्ग मेरे भाई बहन, और बड़ा अच्छा लग रहा है इनके पीछे यहाँ पे बैठ के ना, बड़ा एक सुकून मिलता है जहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, जहाँ पे अभी तो कम है, थोड़े साथी बाहर गए हुए हैं, तो वो भी आ जाते तो जहाँ पे पूरा भरा होता है जे, और बिना जी तीन टाइम इनको खाना भी दे रही है, रहने का भी कोई प्रॉब्लम ही है जहाँ पे। देखिए अभी सर्दी का मौसम है, जैसे अब गर्म कपड़े चाहिए सर्दी के मौसम में, और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बाहर से आए हैं, ये एक सहारा है इधर, इनको एक सहारा मिला हुआ है। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं हमारे, जो इंसानियत को मानते हैं, दिल में इंसानियत रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सर्दी का मौसम आया, इनको गर्म कपड़ों की जरूरत है, हमसे जितना बनता हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे साथी, उनका भी एक फर्ज बनता है इंसानियत के नाम पे, कि ये एक मंदिर है हमारा, यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है इंसानियत के नाम पे, और जहाँ पे गर्म कपड़ों की जरूरत है और बिस्तरों की भी जरूरत है, जैसे नीचे जो गद्दे होते हैं वो यहाँ पे थोड़े कम हैं, अगर वो भी कोई सेवा यहाँ पे आके करे गद्दों की और पुराने कपड़ों की भी, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे नए कपड़े दो, जरूरी है कि यहाँ पे आके नए आपके खरीद के दो, अगर आपके पास, जैसे रेलवे स्टेशन ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था पिछले दिनों के, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, जो भी पुराने कपड़े वहाँ पे लोग आके टांग जाते, तो किसी की जरूरत पूरी होती है। तो मैं कहता हूँ, अगर किसी के पुराने गर्म कपड़े पड़े हुए हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये सेवा है। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, अगर आपके पास पुराने गद्दे हैं, वो आके इन बुजुर्गों को दो और इनका आशीर्वाद लो, जो सुकून यहाँ पे आके मिलेगा ना, वो आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। जितने पैसे वहाँ पे वेस्ट करने हैं, उसे के थोड़ा सा बचा के आप इन बुजुर्गों की मदद करें, सेवा करें, कि इनको जो सर्दी का मौसम है तो इनका थोड़ा डक जाएगा, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। अगर सर्दी के मौसम में आप किसी की सर्दी डकते हो, ये भगवान ऊपर देखते हैं, ये बहुत अच्छा पुण्य है। और जो भी पुराने कपड़े हैं आप लोगों के पास, आप जरूर आके यहाँ पे दें। और बाकी और भी कोई राशन की मदद करना चाहता है, जहाँ किसी चीज़ की भी कोई मदद करना चाहता है, वो यहाँ पे आके जरूर करें। जम्मू कश्मीर में हमारे काफ़ी ऐसे भाई बहन हैं जो हमेशा सेवा में आगे रहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, तो जरूर आके यहाँ पे मदद करें। बीना बख्शी मैडम हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रधान हैं। अच्छा मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या क्या समस्याएँ आपको यहाँ पर आती हैं? सबसे पहले मैं आपको करना चाहती हूँ, ये आपने हमारा यहाँ पे आए और हमारा पूछा है कि आप कैसे हो, हमारी सुध ली है। यहाँ पे
जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जैसे बुजुर्गों को जो रास्ते से पुलिस वाले भी उठा के रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी हमें फोन करते हैं कि हमारी हमें लेडीज जहाँ से मिली है हम जहाँ रखना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि वेलकम अभी लाओ, मैं अभी हम रख लेंगे। हम ये नहीं कहते शाम को आना, कल आना, जाओ जिस टाइम भी वो बोलते हैं हम उसी टाइम बोलते हैं जी हाजिर आप आ जाओ। हमें यहाँ पे समस्या थोड़ी थोड़ी सभी आ रही हैं, जैसे राशन पानी की होगी, बेडिंग सिर्फ बेड नहीं है, बिस्तरा पूरा है, बिस्तरे पूरे हैं, रजाइयां हैं, कंबल भी हैं, सिर्फ बेड नहीं है। और खाने पीने की दिक्कत राशन की आती है, दूध की आती है। बाकी सहयोग मेरे भाई जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को जैसा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ ये आश्रम चलाएं और इन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लें और हम ये समझे कि ये हमारे ही माता पिता हैं। सबसे बड़ी सेवा इनकी हमने मानव सेवा करेंगे तो इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। सर्दियों में जैसे अभी हमारे पास कोई गीजर का प्रबंध नहीं है, तो कभी इन्होंने मुंह धोना है या नहाना है तो मैं फिर इनको राड लगाती हूँ, पानी गर्म खुद करती हूँ, फिर मैं ये चाहती हूँ कहीं ये साथ में टच ना हो जाए, कोई करंट ना लग जाए, तो मैं फिर वो टब में लगा के इनको खुद बाल्टी भर के पानी देती हूँ, फिर ये अपना हाथ मुंह धोते हैं। और उसके बाद काफी सारी चीजों की जहाँ दिक्कत है तो मेरे जो भी भाई बंधु जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा हाथ बटाएं और हम इन सबकी सेवा मानव की कर सके और आगे आए। तक जो भी आप कार्य करते हो, जैसे इनकी सेवा आप कर रहे हो, तो ये सारी फंडिंग आप खुद ही अपने से भी इकट्ठा करके पैसा लगा रहे हैं, लोग देते हैं, करते हैं कुछ सेवा? बीच बीच में लोग भी आते हैं, ज्यादा से मैं खुद से ही कर रही हूँ क्योंकि अभी नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी अभी कुछ मिला ही नहीं है, पर हो सकता वो भी कुछ दें, लेकिन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग है, ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा मैं अपने से करी क्योंकि लोगों को इतना अवेयर नहीं है यहाँ पे, जहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये मेरे को समझ नहीं है। दूसरा यहाँ रास्ते का इशू है, रास्ता जो है यहाँ गाड़ियां वाड़ियां लगी रहती हैं, उसकी वजह से लोगों को यहाँ आने में दिक्कत होती है, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मेरे ख्याल में कम है। नहीं तो हर जितने भी हमारे आश्रम चल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, आगे आते हैं हमारे भाई बंधु सबको साथ देने के लिए, तो मेरे में जहाँ इसलिए कमी है कि लोगों को पता नहीं है, तो रास्ता भी जो खराब है किसी को पता नहीं चलता ये आश्रम कहाँ पे है, थोड़ा साइड पे है। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है और ये जागृति महिला उद्योग केंद्र ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, ये कार्य कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। कुछ तो मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं क्योंकि जब घर वाले घर से निकालते हैं जो धक्का वो जो ठेस लगती है, क्योंकि बचपन से वो छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया होता है, तो बड़े होकर वो इनको ही जब निकालते हैं तो उसका जो एक टीस और एक जो दिमाग में बात बैठती है, दिल में जो बात बैठती है, उससे मानसिक तौर पर भी ये लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ऐसे लोगों की सेवा ये लोग कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि हर उस शख्स को सेवा करनी चाहिए अगर वो कर सकता है, उसमें योग्यता है, अगर उसके पास 5 रुपये ज़्यादा हैं और वो अगर कहीं सेवा में लगा सकता है तो उससे लगाने चाहिए। और इनकी यहाँ पर हमें लगता है आपको सभी को जिसको भी लगे वो हेल्प कर सकता है तो हेल्प करें। गर्म वस्त्र अगर आपके पास हैं तो वो इनको दें, अगर कोई बेड आपके पास एक्स्ट्रा है वो आकर दें, जो भी आपकी यथाशक्ति से जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें ताकि यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग जो हैं वो रहें और ये लोग आराम से इनको रख पाएँ, इनकी सेवा कर पाएँ, और जो शीश इनकी तरफ से आपको मिलेंगी, जो दुआएं आपको मिलेंगी, वो शायद आगे जो आपके दुख कष्ट आने वाले हों उसमें कटौती करें। बाकी आप लोग देख रहे हैं दैनिक श्रम समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त, नमस्कार।